देख सकते हैं यामा FZS 2010 मॉडल है। इसमें एक होल्ड आ रहा है कि जब भी हम गाड़ी चला रहे हैं कभी 20 से 30 का अंदर जो चेक इंजन लाइट है 20 से 30 का अंदर चलता है, कभी कभी 40 से 50 का अंदर चलता है। लेकिन प्रॉब्लम सॉर्ट आउट समझ में नहीं आ रहा है। हमने जो शोरूम में चेक कराया था उन्होंने कहा रेगुलेटर का फॉल्ट है, और रेगुलेटर का फॉल्ट समझते हुए मैंने कहा कि अगर ना फॉल्ट हो तो हम क्या करेंगे। इसीलिए हम बैटरी को चार्ज किए। बैटरी को चार्ज करने के बाद कुछ दिन चलाए तो बैटरी गाड़ी तो सही परफॉर्म नहीं सेम प्रॉब्लम चल हुआ है। सर आपको एक बार जला है, अभी फिर हम उसी को चेक करने के लिए देखते हैं लाइट जल रहा है कि नहीं। और आप लोग बताइएगा इसका क्या एक्जैक्टली फॉल्ट है, रेगुलेटर प्रॉब्लम है। बैटरी का फॉल्ट मेरा शो कर रहा है 13.57, और चार्ज करने के बाद बैटरी का शो कुछ कर रहा था 14.67। अभी ये हो सकता है कि इसका रेगुलेटर बैटरी को चार्ज नहीं कर सक रहा है, जिस वजह से इसका चेक इंजन लाइट जल रहा है। या फिर देखिए देखिए अभी जैसे कि चेक इंजन लाइट जला और चेक हो गया, सब कुछ ओके हो गया। अब जैसे गाड़ी स्टार्ट हुआ हम उस चले, देखते हैं अब 20 से 25 में और 40 से 50 के अंदर क्या होता है।